नमस्कार बंधुगण, आमी डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोरोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज की हमारा कथा बोलो जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होच्छे उटा जिने की कॉम्प्लिकेशन होते पारे। प्रथम कॉम्प्लिकेशन होच्छे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, मतलब अपना पेशाब होच्छे ना, अपना तर पेटे प्रचुर व्यथा होच्छे, अपना पेशाबी तेल फुले गेछे, आपके प्रचुर कष्ट होच्छे, अल्टिमेटली आपके हॉस्पिटल जेते होच्छे, हॉस्पिटल गिये आपके पेशाबी कैथेटर लगाते होच्छे। दो नम्बर है क्रोनिक रिटेंशन अफ यूरिन, इटार मध्य अपना पेछाबे वेगटा अनेकटा कमे जाए, पेछाबे थैली फुल हो जाए और पेछाबे थैली अपना तलपेटे एक बेलुने मतन एक लम्प फील है, इटा कोनो व्यथा है ना कछु है ना, किन्तु एकदिन देखछे कि आपना एकदम पेछाब होच्छे ना, किन्तु आपना तलपेटे कोनो व्यथा भी नहीं, व्यथा नहीं तो इटा क्रोनिक रिटेंशन अफ यूरिन बोले। तीन नम्बर है अपना पेशाब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिन्हें यूरिन पेशाब थके जाच्छे उटा जिन्हें अपना रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिन्हें होते पड़े या अनेक बार प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जिन्हें जो प्रोस्टेट ऊपर जो वेसल गुलो है उटा फटे जाए, उटा जिन्हें अपना बारे बारे पेशाबे संगे रक्त आसते पड़े, अपना किडनी फेलियर होते पड़े, किडनी इम्पेयरमेंट होते पड़े, क्योंकि अगर अपना पेशाब भालो करे होच्छे ना, पेशाबे थेके जत प्रेशर निते पारे निच्छे, तारपरे ओटा ब्याक प्रेशर दिए किडनी उपर प्रेशर चले जाच्छे, किडनीटा आपना फुले जाच्छे, और जो किडनी फुले जाच्छे ओटा जिने आपना यूरिया क्रिएटिनटा बढ़े जाए और आपना किडनी फेलियरे होते पारे। ओटा छाड़ा पेशाबे थैलीते पत्थर होते पारे, आपना पेशाब थैलीते यूरिन जावा रखार जिने सेडिमेंट गुलो जमे पेशाबे थैलीते पत्थर करे दे, एटाके आमरा ब्लैडर स्टोन बोली। अनेक बार क्रोनिक रिटेंशन अफ यूरिन जिने अपना जो पेशाबे थैलीटाई खराब हो जाए, पेशाबे थैली तो कोनो पावर थाके ना, यूरिन के धक्का दिए बाहर आसार पावर टा थाके ना, जिरगा आपनारा एकटा रूमे बसे आछेन, चेयर दरवाजा खुला आछे, चेयर ऑटोमेटिक बाहरे जाबेन ना, ओटाके आमरा धक्का दिए बाहर करि, ओरकमई आपनार पेशाबे थैलीते पावर टा चले जाए तो यूरिन टा तो कि आछे, जल आछे, तो यूरिन टा जो जल आछे ओटा ऑटोमेटिक बरोबे ना, पेशाबे थैली ओटाके धक्का दिए बाहर करे, आर आपनार पेशाबे थैली धक्का देबार पावर टा कमे जाए जेटा हाइपोटोनिक ब्लैडर बोली, या पेशाबे थैली पावर टोटालि चले जाए जेटा आमरा एटोनिक ब्लैडर बोली, ওই কন্ডিশনে আপনার অপারেশন করলে ভি কোনো লাভ হবে না, আর ব্লাডার প্রবলেম জিনে আপনাকে সবসময় একটা ক্যাথেটার ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। তো বন্ধুগণ, আগার আপনার প্রোস্টেটে প্রবলেম আছে, প্রোস্টেটে কোনো সিমটম আছে যেটা আমি আগে ভিডিওটা আপনাকে জানালাম, আর আপনার সিমটমগুলো আছে তো ইমিডিয়েটলি আপনার ইউরোলজির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন, তাকে আপনার এই কমপ্লিকেশন না হয় আর আপনার প্রোস্টেটিক ট্রিটমেন্টটা ভালো করে হয়ে যায়। আর আপনার এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো এটাকে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। নমস্কার।